तो आज फिर से खेलने वाले हैं कार फॉर सेल। तो आज हम जाने वाले हैं कार मार्केट के लिए। तो सबसे पहले चलते हैं कार मार्केट के लिए बस की मदद से। तो यहाँ पे कार मार्केट पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे पहुँचने वाले हैं कार मार्केट। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं कार मार्केट। तो यहाँ पे आ चुके हैं अपडेट के बाद। बहुत सारे चीज़ें चेंज हुई हैं गेम के अंदर। कार मार्केट को बहुत बड़ा बना दिया गया है। तो कार मार्केट में बहुत सारे कार यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक फॉर्चूनर टाइप से एक कार है और यहाँ पे एक सुपरा कार है, तो इसको ख़रीदने वाले हैं। और एक और इधर सुपरा है और इधर बहुत सारे कार रहे हैं। और यहाँ पे एक फॉर्चूनर भी है और यहाँ पे टेस्ला कार भी है। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे इस सुपरा को ख़रीद लेते हैं। 68,000 की है, काफ़ी सस्ती है, $68 की। और यहाँ पे सेकेंड वाला सुपरा को भी हम ख़रीदने वाले हैं। तो ये काफ़ी सस्ता है लेकिन थोड़ा सा डैमेज ज़्यादा है, तो इसको उसको तो हम चला के लेके जाने वाले हैं। तो सबसे पहले इस टेस्ला कार को भी ख़रीदने वाले हैं। तो इसको हम ख़रीद के यहाँ पे सबसे पहले और यहाँ पे टो ट्रक रख के भेज दिया हमने शोरूम के लिए। तो यहाँ पे एक और यहाँ पे कार यहाँ पे दिख रही है, टेस्ला एक्स, तो इसको भी हमने भेज दिया शोरूम के लिए। और यहाँ पे और दो फॉर्चूनर कार ख़रीद लेते हैं। और यहाँ पे फॉर्चूनर कार हमने ख़रीद के एक तो भेज दिया और एक की साइड है। तो सबसे पहले परचेज करते हैं और उसके बाद भेज देते हैं शोरूम के लिए। तो फाइनली हम लोगों ने सारे कार यहाँ पे शोरूम में भेज दिए और चलते हैं अपने सुपरा को लेके अपने शोरूम चलाते हुए। तो यहाँ पे आ चुके हैं और कार के अंदर बैठ चुके हैं और काफ़ी स्मूथ चल रहा है। और यहाँ पे काफ़ी मतलब ड्रिफ्ट काफ़ी ख़तरनाक लग रहा है इस कार से। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं शोरूम के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले रिपेयरिंग शॉप के लिए आए हुए हैं, तो थोड़ा सा रिपेयरिंग करा लेते हैं और कलर भी चेंज करा लेते हैं। और यहाँ पे 6,000 के करीब का यहाँ पे रिपेयरिंग का कॉस्ट था। और यहाँ पे ये बहुत सारे कलर यहाँ पे दिख रहे हैं, येल्लो काफ़ी शानदार लग रहा है, तो येल्लो हम लोग कराने वाले हैं। तो सबसे पहले पैसा दे देते हैं। और यहाँ पे फाइनली हम लोगों का पेंटिंग कम्प्लीट हो चुका है। तो चलते हैं सबसे पहले शोरूम में पहली कार को लगाने के लिए। तो आ चुके हैं शोरूम और शोरूम में फॉर्चूनर भी आ रखी है, सारी की सारी कारें आ चुकी है टो ट्रक से जो हमने भेजा था। तो सबसे पहले काफ़ी सेफली हमने पार्क कर दिया है सबसे पहले सुपरा को। तो अब सेकंड सुपरा है जो वाइट कलर की, इसको भी रिपेयरिंग करा ही लेते हैं क्योंकि रिपेयरिंग शॉप काफ़ी नज़दीक है, तो काफ़ी जल्दी जल्दी हम लोग करा लेंगे। तो पहुँच चुके हैं, सबसे पहले इनसे बात करते हैं और देखते हैं। और कलर भी चेंज कराने वाले हैं और इस सुपरा में शायद ग्रीन कलर काफ़ी शानदार लग रहा है, तो ग्रीन हमने करा लिया है। तो चलते हैं सबसे पहले इसको भी पार्क करते हैं सेकंड कार को। और यहाँ पे फाइनली हम लोग पहुँचने वाले हैं यहाँ पे शोरूम में। और यहाँ पे फाइनली काफ़ी सेफली हमने पार्क कर दिया दूसरे सुपरा को भी। और अब इसके बाद फॉर्चूनर, दोनों फॉर्चूनर को लगा देते हैं। दोनों सुपरा काफ़ी शानदार दिख रही हैं, तो फॉर्चूनर के अंदर बैठ चुके हैं। चलते हैं सबसे पहले इसको रिपेयर करवाते हैं और उसके बाद थोड़ा कलर भी चेंज करवाना है क्योंकि एक ही कलर का दो कारें हैं तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो चलते हैं इनसे बात करते हैं, देखते हैं कितना रिपेयरिंग का कॉस्ट पड़ता है। और 10,000 के करीब का यहाँ पे रिपेयरिंग का कॉस्ट पड़ रहा है। और इस फॉर्चूनर में ब्लू कलर काफ़ी शानदार लग रहा है, तो हमने पेंटिंग भी कंप्लीट करवा लिया है। तो चलते हैं सबसे पहले इसको भी पार्क करते हैं। तो जल्दी जल्दी से सारी कारें यहाँ पे पार्क कर देते हैं। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग शोरूम में आ चुके हैं। दो कारें काफ़ी सेफली हमने पार्क कर दिया और तीसरी और करने वाले हैं। और इसी के साथ यहाँ पे रात हो चुका है, तो सबसे पहले हम पार्क कर लेते हैं और उसके बाद सोने के लिए जाएंगे। तो काफ़ी सेफली हमने अपनी फॉर्चूनर को भी पार्क कर दिया और चलते हैं अब बाहर और चलते हैं सोने के लिए। कल सुबह उठेंगे तो तीन कारें और बची हुई हैं रिपेयरिंग के लिए और कलर भी चेंज करवा लेंगे। और यहाँ पे सोने जा रहे हैं और इसी के साथ हम सो चुके हैं और देखते हैं कब तक मॉर्निंग होता है। तो फाइनली मॉर्निंग हो चुका है, तो चलते हैं बाहर। 9 बजे आज ऑक्शन भी है, तो ऑक्शन तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि टाइम हम लोगों के पास है ही नहीं और तीन कारें हैं और सारी कारों को बेचना भी तो है। और सबसे पहले दूसरी वाली यहाँ पे फॉर्चूनर पे आ चुके हैं और यहाँ पे रिपेयरिंग शॉप में भी आ चुके हैं। देखते हैं यहाँ पे कितना कॉस्ट इस रिपेयरिंग के लिए लगता है। और ये भी 10,000 काफ़ी मतलब सस्ता लग रहा है यहाँ पर रिपेयरिंग का कॉस्ट। और पिंक कलर इस फॉर्चूनर में काफ़ी शानदार लग रहा है, तो चलते हैं सबसे पहले इस फॉर्चूनर को पार्क करते हैं। तो काफ़ी सेफली हम लोग तो शोरूम में पहुँच चुके हैं शोरूम के पार्किंग लॉट में और काफ़ी सेफली हमने पार्क भी कर दिया। तो चलते हैं अब टेस्ला कार, दो टेस्ला कार बची हुई हैं, तो ये पहली वाली टेस्ला कार को लेके जाने वाले हैं पेंटिंग कराने के लिए और रिपेयरिंग भी कराने वाले हैं।
तो फाइनली हम लोग ये भी कार लेके पहुंच चुके हैं और यहाँ पे इसका यहाँ पे रेड कलर करने वाले हैं, क्योंकि रेड कलर उसमें से किसी भी कार का नहीं है, तो इस कार में काफ़ी शानदार लग रहा है। इस कार का काफ़ी बढ़िया कंट्रोल है, तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे पार्क कर देते हैं। तो काफ़ी सेफली हमने पार्क कर दिया, तो चलते हैं अब अंदर। और एक लास्ट कार बचा हुआ है, तो यहाँ पे लास्ट कार को भी यहाँ पे जाने वाले हैं सबसे पहले रिपेयरिंग शॉप के लिए। तो फाइनली हम लोग इस कार को भी लेके पहुँच चुके हैं यहाँ पे रिपेयरिंग शॉप के लिए, तो चलते हैं इनसे बात करते हैं। और यहाँ पे इसमें ऑरेंज कलर का थोड़ा देखते हैं यहाँ पे कोई यूनिक सा कलर कराने वाले हैं। और यहाँ पे ऑरेंज कलर काफ़ी शानदार लग रहा है इस कार में, तो सबसे पहले पेंटिंग तो हमने करा लिया और लास्ट कार को ले जाके पार्क करते हैं। और सबसे पहले उसके बाद हम लोग कार को अपलोड पे लगाएंगे ऑनलाइन। तो काफ़ी सेफली हमने इस कार को भी यहाँ पे पार्क कर दिया और यहाँ पे सारी कारें यहाँ पे काफ़ी शानदार लग रही हैं। तो फाइनली हमने काफ़ी सेफली सारी कारों को पार्क कर दिया और चलते हैं सबसे पहले अंदर और अपलोड कर देते हैं सारी कारों को ऑनलाइन सेल के लिए। तो सबसे पहले कंप्यूटर के अंदर आ चुके हैं और पहली कार हम लोगों की 68,000 की थी, जिसको हम लोग 1,00,000 में बेचने वाले हैं। और ये 49,000 की थी, तो इसको भी 1,00,000 में बेचने वाले हैं। और 1,77,000 की हम लोगों ने खरीदी थी, 3,00,000 में इस कार को बेचने वाले हैं। और ये 1,50,000 की टेस्ला कार हमने भी खरीदी थी और यहाँ पर 2,50,000 में बेचने वाले हैं। और 1,37,000 की ये कार है, तो 2,00,000 में बेचने वाले हैं। और लास्ट वाली कार जो है, इसको हम 1,50,000 में बेचने वाले हैं। तो फाइनली हमने सेल पे भी लगा दिया और कस्टमर आना भी स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत सारे कस्टमर भी आ चुके हैं। तो चलते हैं इनसे बात करते हैं और यहाँ पे 80,000 देने के लिए तैयार है, तो थोड़ा सा बार्गेन करते हैं, देखते हैं हमें 95,000 मिलता है कि नहीं। और इसी के साथ पहली कार बिक चुकी है, तो अब चलते हैं यहाँ पे दूसरी कार के लिए डील करते हैं। और यहाँ पे हमने मांगा था 2,00,000 और यहाँ पे 1,75,000 मिलने वाला है, तो चलते हैं इनसे बात करते हैं। और ये वो तो दूसरी कार की बात कर रही थी और यहाँ पे 95,000 में ये भी बिक चुका है दूसरी कार भी। अब चलते हैं यहाँ पे तीसरी कार, यहाँ पे 1,70,000 के करीब देने के लिए तैयार है, 1,90,000 मांग रहे हैं, देखते हैं। और इसी के साथ मिल भी चुका है और यहाँ पे फॉर्चूनर बिक चुका है पहला और दूसरा फॉर्चूनर, यहाँ पे 1,50,000 देने के लिए तैयार थे, जितना हमने प्राइस सेट किया था उतना मिल गया। अब देखते हैं इस टेस्ला कार को कितना मिलता है। और यहाँ पे बार्गेन करके 2,50,000 में हमने बेच दिया और लास्ट कार हम लोगों की बची हुई है, तो देखते हैं थोड़ा सा बार्गेन करते और देखते हैं यहाँ पे 1,80,000 मिलता है कि नहीं। और यहाँ पे देने के लिए तैयार ही नहीं है, तो थोड़ा सा और कम करते हैं रेट, 2,60,000। और इसी के साथ यहाँ पे कार बिक चुका है सारा। और यहाँ पे ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है, तो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए।